हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही खुश होंगे, आपकी फैमिली अच्छी होगी और दुआ भी करते हैं कि आप लोग खुश रहें। आज की ये वीडियो देखें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको क्या समझ में आया और क्या नहीं समझ में आया। वीडियो चलिए शुरू करते हैं। और मैं जब तक अखंड भारत ना देख लूं, अभी 20 करोड़ है भारत में, अखंड भारत होगा तो पाकिस्तान के 20 करोड़, 20 करोड़ तक काबू भारत के हो नहीं रहे, अखंड भारत के साथ वहाँ के मुसलमान भी आएंगे। 1400 साल पहले इस्लाम धर्म आया। अभी बता दे भाई, सबसे पहले हजरत आदम थे। मुगलों से इतना प्यार क्यों है? यहाँ पे औरंगजेब का नाम सुना है? बड़ा अच्छा आदमी था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस लड़की का चेहरा आप गौर से देख लीजिए क्योंकि इस लड़की को मुगलों से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत है। ये लड़की जब भी मुगलों का नाम सुनती है तो इसके दिल में लड्डू फूटते हैं और ये मुगलों की तारीफ करना शुरू कर देती है। मजाक से हटके तो आखिर तक वीडियो में बने रहें, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बाबर, आप कहते हैं कि बाबरी मस्जिद हमारी है, बाबरी मस्जिद खोदी ज्ञान बापी, आप बाबर को अपना कह रहे हैं। बाबर कौन था, अकबर कौन था, औरंगजेब कौन था, शाहजहां कौन था? क्या वो इस देश के थे? उस देश के आए हुए इस देश में वो रहने लगे? क्या वो इस देश के थे? अभी बता दे भाई, अभी बता दे। औरंगजेब हिंदुस्तान में पैदा हुआ, उसका बाप जो है शाहजहां हिंदुस्तान में पैदा हुआ, उसका बाप जो है जहांगीर हिंदुस्तान में पैदा हुआ, उसका परदादा अकबर हिंदुस्तान। मस्जिद, और कौन है ये औरंगजेब जिसने हमारी मंदिर को तोड़ा? ज्ञान बाबी, मंदिर को तोड़ के उसे मस्जिद का नाम दिया, हम क्यों? ये थे हमारे देश के मुसलमान, इनके वंशजों का, ऐसे मुसलमानों का हमारा देश, मैं खुद हमेशा इज्जत करूंगी। 1400 साल पहले इस्लाम धर्म आया, उससे पहले इन लोगों का धर्म क्या था? आप तो हमारे देश में आए हैं। था 1400 साल पहले इस्लाम धर्म आया। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। उससे पहले भी था, उससे पहले हजरत ईसा थे नहीं थे? हाँ। उससे पहले हजरत मूसा थे नहीं थे? हाँ। उससे पहले हजरत इब्राहिम थे नहीं थे? हाँ। उससे पहले हजरत नूह थे? सबसे पहले हजरत आदम थे, वो भी अल्लाह को मानते थे, वो भी, उनके भी मानने वालों को मुसलमान ही कहा जाएगा। मुगलों से इतना प्यार क्यों है? जब बात करें, हम तो किताब में पढ़ते आए हैं अकबर महान थे, और आपका जो प्यार है मुगलों के लिए वो तो बरस रहा है, चारों खाने आ रहा है। यहाँ पे औरंगजेब का नाम सुना है? बड़ा अच्छा आदमी था, बहुत अच्छा आदमी था, हम जाके हाथ जोड़ेंगे, मत्था टेकेंगे। और मैं जब तक अखंड भारत ना देख लूं और खुली आंख से इन लोगों की औकात दोबारा ना देख लूं, तब तक कुछ नहीं होने वाला। अखंड भारत देखना चाहते हैं? जी बिल्कुल, कौन नहीं देखना चाहता है? अभी 20 करोड़ है भारत में, अखंड भारत होगा तो पाकिस्तान के 20 करोड़, बांग्लादेश के, अफगानिस्तान के, इतने सबको काबू कर पाएंगे? 20 करोड़ तो काबू भारत के हो नहीं रहे, अखंड भारत के साथ वहाँ के मुसलमान भी आएंगे। तो कल मेरे बच्चे भी मुसलमान कहलाएंगे। ये कहाँ से आता है ये इतना सब कुछ? किसी को प्यार से समझाना सीखिए, बात करना सीखिए। मजा आया। तो दोस्तों ये था पार्ट 5। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस वीडियो का पार्ट 6 बनाऊं तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बता देना। ऐसी और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए किसी दूसरी वीडियो मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कमेंट में आप ज़रूर लिखना कि आपको क्या समझ में आया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, खुदा हाफिज़।